राधे राधे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी स्थिति में और किसी भी समय मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास रहते हैं। दोस्तों, इच्छाएं आती है और चली जाती है, लेकिन आपको केवल तमाशा देखते और आनंद लेते हुए एक निष्पक्ष साक्षी बने रहना चाहिए। इच्छाओं को व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध हो या जीवन, धर्म, धैर्य और साहस तीन ही शस्त्रों से सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, काम का अत्यधिक महत्व है और हमेशा परिणाम की चिंता किए बिना समर्पण के साथ काम करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, अच्छा करने से डरना नहीं चाहिए। दोस्तों, गरीब हो या अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मायने यह रखता है कि वह आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है। दोस्तों, संसार नाशवान है और जो इस संसार में आता है उसे एक दिन जाना अवश्य है। दोस्तों, किसी और के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने की अपेक्षा अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख के लिए कर्म करोगे तो सुख नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप खुश रहने के लिए काम करेंगे तो आपको खुशी जरूर मिलेंगी। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। जब आप दूसरों का भला चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापिस आती है। दोस्तों, यह प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा को समाप्त नहीं कर सकता जो चिरस्थाई है। आप क्या हैं इससे आपका मूल्य निर्धारित नहीं होता, यह इस बात से निर्धारित होता है कि आप खुद को क्या बनाने में सक्षम हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। भगवत गीता में लिखा है मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानकर कि भाग्य से ऊपर उसका कर्म है जो उसके अपने हाथों में है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और अनुपयोगी शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीरों को धारण करती है। आप में हजारों कमियां हो सकती है, लेकिन खुद पर भरोसा रखें कि आप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का हुनर है। भगवत गीता में लिखा है आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर कभी नहीं। आपको पुरस्कार के लिए कभी भी कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए, न ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं वक्त आने पर जितना इंतजार करा रहे हैं उतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपको जो भी करना है वह करें, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से। कोई साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई साथी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रसन्नता स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, और स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। दोस्तों, आत्मविनाश और नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। दोस्तों, सृष्टि केवल उसी के रूप में प्रक्षेपण करती है जो पहले से मौजूद है। मन उन लोगों के लिए शत्रु की तरह कार्य करता है जो इसे नियंत्रित नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म वह फसल है जो मनुष्य को काटनी है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल भी अच्छी ही हो। भगवत गीता में लिखा है
हमें अपने लक्ष्य से बाधाओं द्वारा नहीं बल्कि कम लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट मार्ग द्वारा रखा जाता है। जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी है और कुछ नहीं। दोस्तों, निस्वार्थ सेवा से आप हमेशा फलदायी रहेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह धरती पर मौसम बदलता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह होता है। व्यर्थ चिंता और भय एक रोग की तरह है जो आपकी आत्मा की शक्ति को चकनाचूर कर देते हैं। दोस्तों, जैसे जल से अग्नि शांत होती है, वैसे ही ज्ञान से मन को शांत रखना चाहिए। भगवत गीता में लिखा है, आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। तुम केवल कर्म के अधिकारी हो, उसके फल के कभी नहीं। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। भले ही माली 100 घंटे से अधिक पेड़ को सींचता रहे, फल तभी लगेगा जब मौसम आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, राग से मन का भ्रम होता है, फिर स्मरण की हानि, कर्तव्य की भूल इस हानि के कारण का नाश होता है, और कारण का नाश मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। दोस्तों, आपके आंतरिक गुण आपके महत्व को कम नहीं करते, बस उनसे मुक्त होने का प्रयास करें और दुनिया की भलाई की ओर बढ़ें। दोस्तों, जब मनुष्य इंद्रियों के सुखों पर ध्यान देता है, तो उनमें उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, मोह से इच्छा उत्पन्न होती है, कब्जे की वासना और यह राग क्रोध की ओर ले जाती है। दोस्तों, यदि आप अपने से कम उम्र के किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, तो आप उसे दूर से देख रहे हैं या अपने भीतर के अहंकार से। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। काम के लिए काम करो, अपने लिए नहीं। अधिनियम लेकिन अपने कार्यों से आसक्त न हो। दुनिया में रहो लेकिन इसका नहीं। दोस्तों, दुर्बल व्यक्ति से शत्रुता अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय आक्रमण करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वृक्ष काटने से वृक्ष कभी नहीं सूखता, जड़ काटने से वृक्ष सदैव सूखता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्म से नहीं, अपितु छोटी सोच और गलत आचरण से हारता है। भगवत गीता में लिखा है, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, क्योंकि मनुष्य अपने विचारों से सदा जीवित रहता है। सफलताएं अतीत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारती हैं। झूठ कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह सच को दबा नहीं सकता। यदि हार की संभावना न हो, तो जीत व्यर्थ है। दोस्तों, इतने भी कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ दे, बल्कि इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। तुमने अपने आप को कमजोर समझा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। जीवन कठिन लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। बुराई देखना और सुनना बुराई की शुरुआत है। दोस्तों, रिश्ता कितना भी बुरा क्यों न हो, उसे कभी मत तोड़ो, क्योंकि पानी कितना भी गंदा हो, प्यास न हो तो आग बुझा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलता समय हमें रुकना नहीं सिखाता। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जिससे किसी को दुख होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। गीता में लिखा है, जब कोई समस्या आती है, साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। दोस्तों, संसार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम पूजा है। जो हृदय से दिया जा सकता है, वह हाथ से नहीं दिया जा सकता, और जो मौन से कहा जा सकता है, वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करने के बावजूद
लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान न दें, अपना काम करते रहें। गीता में लिखा है, चीज़ों की कीमत उनके मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत उनको खो जाने के बाद होती है। आपको जो मिलता है वह आपके लिए बेहतर होता है, आप नहीं जानते, लेकिन देने वाला अच्छी तरह जानता है। दोस्तों, यदि आपका मन अशांत है तो उसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति जीभ से भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह अशुद्ध व्यक्ति को मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लें कि आप इसे अकेले करने में सक्षम हैं। दोस्तों, जो दुख सहता है वह भविष्य में सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द भी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। राधे राधे दोस्तों।